अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में पहाड़ देखना। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर आपने आपको बुलंद पहाड़ पर देखे और जाने कि इसकी मलक है यानी इसकी कब्ज़ा है, इस पर दलील है कि इसको बुज़ुर्ग आदमी अपनी पनाह में लेगा, और अगर देखे कि पहाड़ को उसकी जगह से कैन चाहे, दलील है कि किसी बड़े आदमी को मालूम करेगा। अगर इसने पहाड़ पर मुकाम किया है, दलील है कि किसी बड़े आदमी से इज़्ज़त और मर्तबा पाएगा। अगर पहाड़ पर चढ़ा है, दलील है कि इज़्ज़त और मर्तबा पाएगा। बाद अहल तबीर ने बयान किया है कि अगर मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा है तो आम मानदोह पर दलील है, और अगर देखे कि पहाड़ से नीचे उतरा है, दलील है कि इसकी बुजुर्गी और मर्तबे को नुकसान पहुँचेगा। अगर पहाड़ की छोटी मुकाम पर मुकाम बनाया है, दलील है कि बादशाह से इज़्ज़त और इसका मुकर्रब होगा, इज़्ज़त पाएगा और इसका मुकर्रब होगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर देखे कि पहाड़ पर अजान दी है और नमाज़ पढ़ी है, दलील है कि इसका काम खैर व खूबी से होगा। मज़ीद ताबीर सुनने के से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में अपना ख्वाब लिख के ताकि हम आपके लिए आपकी ताबीर अपलोड कर सकें। शुक्रिया। हज़रत जाबिर मारवी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि ख्वाब में पहाड़ और महल के ऊपर जाना मुराद के पूरे होने पर दलील है। अगर अपने आप को नीचे उतरता हुआ देखे तो अव्वल के खिलाफ तावील है। अगर देखे कि पहाड़ के दामन पर गिरा है, दलील है कि गमनाक होगा, और अगर देखे कि पहाड़ के दामन में नमाज पढ़ी है, दलील है कि दीन के मुवाफिक काम करेगा, और पहाड़ पर इसकी हमराही में बादशाह लोग हैं, दलील है कि बादशाह से इज़्ज़त पाएगा, और अगर देखे कि पहाड़ ने अपनी जगह से हरकत की है और फिर करार पाए है, दलील है कि वहाँ कोई बड़ा आदमी बीमार होगा और फिर शिफा पाएगा। अगर इसने आसानी के साथ पहाड़ कूदा है, दलील है कि जल्दी आता पाएगा, और अगर मट्टी का पहाड़ है, दलील है कि इसको कंजूस सरदार से तमा होगी। अगर कोई का फरफेड़ा है, दलील है कि इसकी मौत करीब हुई है। अगर कोई तूर पर है, दलील है कि बादशाह इस पर भरोसा हो, बादशाह को इस पर भरोसा होगा और इसकी मुराद पूरी होगी। अगर अपने आप को कूह इरफात पर देखे, दलील है कि तौबा करेगा और गुनाह से फशेमा होगा। अगर देखे कि कूह लबनान पर है, दलील है कि वह उलमा और सुलहा से मोहब्बत रखेगा। अगर तारीक पहाड़ पर है, दलील है कि इसको हलाकत का खौफ है। अगर देखे कि बदराह हुआ है, दलील है कि इसकी मौत करीब है या कैदखाने में जाएगा। और अगर अपने आप को रोशन पहाड़ पर देखे, दलील है कि माल हासिल करेगा। हज़रत इस्माईल अशआस रहमतुल्लाह ने फरमाया है, अगर देखे कि वीरान पहाड़ पर है और पत्थर बिखरे हुए हैं और वो मुश्किल से चलता है और तीर डालता है, दलील है कि इसको ज़ालिम बादशाह से होप होगा। और अगर देखे कि दो पहाड़ों में चलता है और तीर डालता है, दलील है कि दो बड़े आदमियों में वसीला बनेगा। अगर पहाड़ में सुराख है और इस सुराख के अंदर गया है, दलील है कि बादशाह के राज से आगाह होगा। अगर देखे कि इस सुराख से कोई चीज़ निकाली है, दलील है कि बादशाह से आता पाएगा। हज़रत हाफिज़ मोबिर रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर देखे कि पहाड़ के ऊपर चढ़ा है, दलील है कि किसी बुज़ुर्ग आदमी की खिदमत में मशगूल होगा, और अगर देखे कि कई पहाड़ों से पत्थर लिए है और हर एक जगह डालता है और फिर पहाड़ पर डालता है, दलील है कि माल को कहर से जमा करेगा। अगर देखे कि पहाड़ को बोल में पाल में रख पकड़ रहा है, दलील है कि साहिब ख्वाब किसी बड़े आदमी की खिदमत करेगा और इससे हैर मनफात पाएगा। और अगर देखे कि पहाड़ से नीचे गिरा है, दलील है कि इसकी मुराद पूरी न होगी। और अगर देखे कि पहाड़ पर पुख्ता ईंट और चूने की सीढ़ी बनी हुई है और वह इस पर पहाड़ की चोटी पर गया, दलील है कि इसकी मुराद जल्दी हासिल होगी। और अगर देखे कि सीढ़ी कच्ची ईंट और गारे की है तो इसकी उम्दा तावील है, और अगर सीढ़ी तांबे की है तो बद है, और अगर बर्द की सीढ़ी है तो इसकी मुराद पूरी न होगी। और अगर देखे कि पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, दलील है कि बादशाह का मुकर्रब हास होगा और बहुत सा माल पाएगा। हज़रत जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में पहाड़ का देखना पाँच वजह पर है: बादशाह, मुंशी का काम, पता पाना,
बुलंदी हासिल करना, सरदारी फाना। शुक्रिया।